हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों, आज जो है हम प्लांट अपने पान की कटिंग कैसे इस भर गर्मी में लगाएंगे और 45 के टेम्परेचर में भी हम लोग पान की कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। और ये बोगनविलिया के देखिए तीसरी बार ये फ्लावरिंग आ चुकी है और आप देखिए इसमें लीव्स कम और फूल कितने ज़्यादा हैं, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। और कितना सुंदर लगता है, गर्मी में तो इनकी मौजा ही मौजा है दोस्तों। और ये फुल फ्लावरिंग करता है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, ये तो एकदम वाइट वाइट एकदम कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे अब ये लोटस प्लांट को रिपोर्ट करके इस टब में डालना है, क्योंकि इसमें से छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसमें कल रिपोर्ट करूंगी मॉर्निंग में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम लोग इस भर गर्मी में पान की कटिंग किस तरह से लगाते हैं। तो दोस्तों, पान की कटिंग लगाने के लिए जो है मैंने ये प्लास्टिक का ग्लास ले लिया है। इसमें नीचे चार होल कर लिए हैं ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा अलग से निकल जाए, ये देखिए। और जो है उसी के नीचे हम चार गिट्टी रखेंगे, इसके नीचे हम गिट्टी भी रख देंगे ताकि मिट्टी जाम ना हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हम पुराना दिया हो या गमला कोई टूटा हो उसकी इस तरह से छोटी छोटी गिट्टी हम लोग डाल देंगे, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग ने जो है इसमें गिट्टी डाल दी है दोनों ग्लास में और हम दोनों में ही कटिंग लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने ये मिक्सचर जो तैयार किया है और इस भर गर्मी में भी हम कटिंग लगा रहे हैं तो आसानी से लग जाएगी। और ये देखिए, मिक्सचर में सिर्फ हमने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। तो हम इसे अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अपने ग्लास में इसमें भर देंगे। मैंने ये वाला ग्लास इसीलिए यूज़ किया है ताकि जब रूट्स बनेगी तो इजीली हमको दिख जाएगी इसमें। तो हम जो है इसमें भर देंगे। और कोकोपीट हम लोग ने इसीलिए डाला है ताकि इस भर गर्मी में जो है मॉइस्चर इसके अंदर बना रहे। तरह से भर के हमें तैयार कर लेना है अपना सॉइल मिक्सचर और हल्का सा पुश कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हम पुश कर देंगे, ये देखिए। इस तरह से पुश करने के बाद जो है हम अपनी पान की कटिंग लगाएंगे। और ये देखिए, ये मेरा पान का प्लांट है, ये मदर प्लांट है, आप देख पा रहे होंगे। इसी में से ही मैंने ये सारी कटिंग्स तैयार की है। अब देखिए, ये ग्लास को मैंने क्या किया है, इसी गमले में जिसमें पौधा लगा हुआ है हमारा पान का, तो उसी पौधे में हम इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद एक इस तरह की जो ब्रांच हमारे प्लांट से नीचे की ओर आ रही है, तो उसमें नोडी एरिया जो है, ये देखिए, हमें ये ब्रांच को कट नहीं करना है, बस ये नोडी एरिया से हमें एक लीव्स हटा देनी है, ये देखिए। ये एक लीव्स हमने यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद जो है हम इसे इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से इसी में ऐसे दबा देंगे। रुक जाइए, आप लोग को पता नहीं लग रही होगी क्योंकि लीव्स इसमें बहुत ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमने दबा दिया है, ठीक है। और दबाने के बाद जो है हम इस तरह का कोई पुराना हम लोग के पास तार बचा हो या हेयरपिन बची हो, उसको हल्का सा यूँ टेढ़ा करके इसे इस तरह से फंसा देंगे, ये देखिए। तो नोड एरिया जो है हमारा बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर ही रहेगा, ये देखिए। तो हम लोग दो दो जो है इस तरह के दो दो तार जो है इस तरह से हम लोग, ये देखिए, इस तरह से ऐसे घुसा देंगे। अब देखिए, ये हमारा जो है नोडी एरिया जो है, ये देखिए, ये दब चुका है, ठीक है। अब जो है हम इसके ऊपर थोड़ी सी और मिक्सचर जो हम लोग ने तैयार किया है वो डाल देंगे,
ये देखिए देखिए हम लोग ने इस तरह से डाल दिया है। इसी तरह हम अब देखिए दोस्तों इसमें भी हम जो है कटिंग तैयार करेंगे। तो ये ग्लास हमने रख लिया है, ये देखिए गमले के अंदर ही हम गमले के अंदर ग्लास इसीलिए रख रहे हैं ताकि हमें मतलब ये है कि नीचे से भी हम जो पान की कटिंग लगाएंगे तो वो मॉइस्चर मिलता रहे। अब जो है इस प्लांट की जो ये ब्रांच नीचे की ओर आई है तो इसे हम क्या करेंगे, इधर से जो है ये देखिए ये नोडी एरिया जो है इसे हमें कुछ नहीं करना, बस इसे इस तरह से पुश कर देना है। तो ये जो नोड एरिया हमारा अंदर की साइड में गया है वो ऊपर ना आ जाए, इसके लिए हम जो है चाहे तो इस तरह से गिट्टी का वजन मतलब जैसे मिट्टी डाल के इसके अंदर और जो है ये दिए के अंदर गिट्टी रख के हम ऐसे भी रख सकते हैं ताकि ये हिले ना और ये नीचे मिट्टी में दबा रहे। तो ये कभी भी हिल सकता है, इसीलिए जो है मैं इसके अंदर ये जो पुराना तार है उसी को ही इस तरह से अंदर दोनों ब्रांच के बीच में इस तरह से पुश कर दूंगी। इससे ये रहेगा कि हमारा नोड एरिया जो है बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए इस तरह से हम दबा देंगे। दबाने के बाद इसके अंदर हम जो है मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए ये हमने मिट्टी डाल दिया है तो ये बिल्कुल हिलेगी भी नहीं और जो है इसमें मॉइस्चर भी बना रहेगा। और आप चाहे तो इसमें दिया रख के, जैसे मैंने बताया कि दिया रख के कुछ वजन चीज़ रख के इसके ऊपर भी रख सकते हैं, या तो आप इस तरह से तार को मोड़ के अंदर हुक जैसा बना के इसको फंसा भी सकते हैं। और आप चाहे तो हेयर पिन, अगर आपके पास तार ना हो तो हेयर पिन जो है ब्लैक वाली जो हम लोग सर में लगाते हैं तो उसे भी फैला के इसमें हुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो है मैंने ये तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब हम इसमें पानी दे देंगे। तो देखिए दोस्तों ये एक हमारी पान की कटिंग तैयार हो जाएगी और एक ये पान की कटिंग तैयार हो जाएगी। तो हम जो है इसमें पानी ऐड कर देंगे, अच्छे से पानी डाल देंगे और हम इसकी नमी चेक करते रहेंगे। इसकी मिट्टी नम होनी चाहिए, कब सूखनी नहीं चाहिए। तो वैसे भी हम लोग सुबह शाम पानी डालते ही हैं लेकिन जो है एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और बस इतना याद रखिएगा कि इसकी जो डाल गई है इसे मदर प्लांट से अलग मत करिएगा। इसकी ब्रांच यहाँ से तभी अलग करिएगा जब ये इसमें रूट्स दिखनी शुरू हो जाए। जब रूट्स पूरी तरह से खूब घनी हो जाएगी तब आप यहाँ से कट करके अपने प्लांट्स को अलग करके दूसरे पॉट्स में लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें भी मैं अच्छे से पानी डाल दूँगी तो इससे ये रहेगा कि पानी देखिए ये देखिए धीरे धीरे नीचे तक जा रहा है और नीचे भी हम पानी भी डालेंगे। और हमेशा इन लोगों में शावरिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए तो दोस्तों देखिए कुछ ही दिनों में जो है इसमें रूट्स दिखनी शुरू हो जाएगी। बस इसमें एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि जो है हमें मदर प्लांट से इसको अलग नहीं करना है, इसकी मिट्टी मॉइस्ट रखनी है। इसमें आप हुक लगा सकते हैं या दिए में पत्थर जैसे मैंने बताया वैसे रख के इसमें दबाव डाल रखा रहने दीजिए ताकि ये गलती से भी निकल के बाहर ना आ जाए। और इसे शेडी एरिया में रखना है इन्हीं की मदर प्लांट के साथ ही ताकि इसको नीचे से भी नमी मिलती रहे। तो इसी तरह आप प्लांट्स की कटिंग बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। और कई लोग जो हैं भाई, मैंने तो कई बार ट्राई किया कि कटिंग यहाँ से कट करके मैं उसे लगा दूँ, तो मैंने 3-4 बार ट्राई किया लेकिन मेरी कटिंग गल जाती थी या तो ख़राब हो जाती थी। तो मैंने इस तरह से ट्राई किया और इसी तरह मैंने किया और करने के बाद जो है मैंने एक प्लांट से अनेक प्लांट्स बना लिए हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे और ये देखिए इसमें भी देखिए मैंने ये तैयार कर रखा है। ये देखिए अब इसे भी मैंने अलग करना है तो फिलहाल के लिए तो अभी इसी में रहने दूंगी, गर्मी बहुत है। और ये देखिए रिपोर्टिंग तो कर सकते हैं आराम से, अगर आपकी कटिंग तैयार हो जाती है तो बिना रूट्स को छेड़े आप जो है इसकी कटिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ये जो है ये मदर प्लांट है, मेरा पहला ये मदर प्लांट है, आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए वंडरिंग जो भी इसमें निकल आया है ये मदर प्लांट है, इसी में से मैंने ये कटिंग भी तैयार की है। ये देखिए इसमें से ये कटिंग तैयार की है, इसमें से ये छोटी से देखिए इसमें गमले में कटिंग तैयार की है, ये वाली भी तैयार की है, ये तैयार किया है, ये तैयार किया है, ये तैयार किया है। और अब जो है आप दोनों के सामने, आप लोगों के सामने ये दो कटिंग मैंने अभी लगाई है। तो इसका अपडेट मैं आपसे शेयर करती रहूँगी।
तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मेरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।